पुलिस का एक जूता उनके सर पर लग रहा है, इसलिए मेडल जीत के लाई थी, ऐसे दिन उनको देखने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी, इसलिए गांव देहात में आज जो बच्ची पैदा होती है उसे बताया जाता है, उससे उम्मीद परिवार के लोग रखते हैं कि ये भी उनकी तरह बनेंगी। एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल इसलिए कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मेरी गिरफ्तारी जब तक मेरी सरकार है मेरी गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। उनको पूरा अश्योरेंस दिया गया है, हल्की बात नहीं, तभी उस तरह के बयान दे रहे हैं। शक के दायरे में सरकार आ जाती है जब इतना संरक्षण उनको प्राप्त है कि वह संसद के अंदर दहाड़ रहे हैं और संसद के बाहर हमारी बेटियां उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। महिला पहलवानों के लिए चौतरफा यलगार हो गया है और ये यलगार है आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी का, जो महिला पहलवानों के लिए गाजियाबाद में जमकर बरसे। जयंत चौधरी कहते हैं कि सियासत से ऊपर उठकर इन पहलवान बेटियों के साथ सबको आना चाहिए। वो पहलवान बेटियों के दर्द को अपना दर्द बताते हैं, समाज का दर्द बताते हैं और इसे सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा बताते हैं। पुलिस का एक जूता उनके सर पर लग रहा है, इसलिए मेडल जीत के लाई थी, ऐसे दिन उनको देखने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी, इसलिए गांव देहात में आज जो बच्ची पैदा होती है उसे बताया जाता है, उससे उम्मीद परिवार के लोग रखते हैं कि ये भी उनकी तरह बनेंगी। आज वो क्या सोचेंगे? हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है, अपने छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे मतभेद, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने किस पार्टी को वोट दी मुझे कोई मतलब नहीं, किसको आगे वोट दोगे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं, राज्यसभा सांसद बाद में हूं, पहले उन बहनों का भाई हूं। एक जीवंत सभ्य समाज का हिस्सा हूं, एक अंग हूं, एक कार्यकर्ता हूं और वह आप भी हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इन छोटे मतभेदों को बुला करके एक होकर के उन्हें हम लोग एहसास दिलाएं कि बेटी ये जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है देश उसको देखता है। तो जैन चौधरी यही नहीं रुकते हैं, वो ब्रजभूषण पर तो बरसते ही हैं, इसके साथ ही केंद्र सरकार पर भी करारा जुबानी प्रहार करते हैं। इतने बड़े कानून में, कड़े कानून में स्पष्ट उनका नाम लिखा गया है एफआईआर में, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर लिखी गई, पहले नहीं लिखे, बाद में लिखी गई, उनका नाम है, आरोप तय है। अभी तक पुलिस ने सबकी गवाही क्यों नहीं ली? अभी तक जो आरोपी है उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं लिया? एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल नहीं इसलिए कर रहे, उन्हें मालूम है कि मेरी गिरफ्तारी जब तक मेरी सरकार है मेरी गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। उनको पूरा अश्योरेंस दिया गया है, हल्की बात नहीं, तभी उस तरह के बयान दे रहे हैं। अब कह रहे हैं हम संत समाज की मीटिंग करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि पॉक्सो का कानून हम बदल देंगे, जिस कानून के तहत मेरे खिलाफ धारा लगी है। तो क्या ऐसा व्यक्ति कानून को मानने वाला व्यक्ति है? लोग गलत फहमी में इस चीज को भी जात पात की नजर से देखेंगे, इस चीज पे भी वही चश्मे लगाएंगे। कोई कहां की कोई वीडियो निकाल के, पुरानी वीडियो निकाल के, तस्वीर दिखा के ये साबित कर रहे हैं जनता की अदालत में कि इनके रिश्ते अच्छे थे आपस में? नहीं, ये जनता का काम नहीं है। मैं कौन होता हूं यहां खड़ा होकर मैं तय करूं कि उनके आरोप सही है कि नहीं? मेरी कोई अथॉरिटी इसमें नहीं है, लेकिन जो कानून है, जो न्यायपालिकाएं हैं, जो कानून की प्रक्रिया है, वह अपना काम करे। लेकिन शक के दायरे में सरकार आ जाती है जब इतना संरक्षण उनको प्राप्त है कि वह संसद के अंदर दहाड़ रहे हैं और संसद के बाहर हमारी बेटियां उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो जैन चौधरी सीधा सीधा आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि ब्रजभूषण को मिला है केंद्र सरकार का संरक्षण और इसलिए वो इतना बमक रहे हैं। तो वहीं जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर पॉक्सो एक्ट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों घेरते हैं, वो मामला क्या है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह पर छेड़खानी की धारा 354 के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। ये एक्ट नाबालिग से सेक्सुअल हैरासमेंट रोकने को लेकर बनाया गया कानून है। इस कानून के अनुसार आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती है, पुलिस को पहले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजना होता है और उसके बाद ही जांच आगे बढ़ती है। और इसको लेकर अयोध्या के संत विरोध कर रहे हैं और पॉक्सो एक्ट में इसी प्रावधान को हटाने के लिए लामबंद हो गए हैं।
और इसी को लेकर जयंत चौधरी भयंकर गुस्से में नजर आए हैं। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने पहलवान गंगा में अपने मेडल विसर्जन करने पहुंचे थे, इसे बेहद शर्मनाक स्थिति बताया है। उन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया था। खैर, अब जो हालात पहलवान वर्सेज बृजभूषण हो गए हैं उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।